ये द थर्ड लेवल चैप्टर है ना, और उसका ये पैराग्राफ है। देखिए, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच। तो यहां पर ध्यान दीजिए, देयर वर ब्रास, ब्रास मीन्स होता है पीतल, स्पिट, और यहां पर क्या, स्पिट मतलब होता है थूकना, है ना। तो यहां जो बना स्पिटून्स, ये स्पिट धन टून्स से बना है, क्लियर है। तो वहां पर एक ब्रास यानी कि पीतल का थूक दान रखा हुआ था, क्लियर है। स्पिटून्स था मतलब ऐसा बर्तन था जिसमें जो थूकने के लिए था, है ना। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, वहां फर्श पर एक पीतल का थूकदान रखा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के उस पार मतलब स्टेशन के दूसरी तरफ से। अ ग्लिंट मतलब एक होता है चमक, है ना, ऑफ लाइट, लाइट की अचानक एक चमक काट माई आई, है ना, वो मेरी आंखों तक पहुंची, क्लियर है। ये कह रहे हैं स्टेशन के उस पार से लाइट की एक जस्ट अ मोमेंट मतलब तुरंत एक छोटी सी चमक, अचानक होता है ना, जैसे जब बादल चमकता है तो एक बिजली चमकती है, वही चीज कि स्टेशन के उस पार से लाइट की चमक मेरे आंखों तक पहुंची। अ मैन वाज पुलिंग, और जिसमें मैंने देखा कि आ मैन एक आदमी वाज पुलिंग खींच रहा था, यहां निकालना से दिया जाएगा, एक आदमी निकाल रहा था अ गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी निकाल रहा था। फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, है ना, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, जैकेट की पॉकेट से वो अपने सोने की घड़ी निकाल रहा था। वैसे यहां बेस्ट का मतलब बनियान भी होता है, क्लियर है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और जब उसने निकाला, निकाल रहा था, और जब उसने सोने की घड़ी निकाला तो उसने उसकी कवर को ओपन किया मतलब कवर को हटाया। ग्लैंस्ड देखा, एट हिज वॉच अपनी वॉच को देखा, एंड और चलिए नेक्स्ट है फ्रॉन्ट मतलब और क्रोधित हो गया, क्लियर है। मतलब अपनी घड़ी को देखा और क्या हो गया, फ्रॉन्ट मतलब क्रोधित हो गया एकदम से। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फोर बटन सूट विद टिनी लैपेल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक लैंड लेबर, और ये क्या है, मुस्टैच, है ना, मुस्टैच इसको बोलेंगे। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा डेट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी फैंसी मुसेज्स इन माई लाइफ। अभी बता रहे हैं मतलब अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड अस्कर्ट्स। टू द वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड अस्कर्ट्स या स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटन्ड बटन्ड क्या बोल रहे हैं, देखो, बटन्ड शू सूज बैक ऑफ हर। आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर एंड यूज लोकोमोटिव विद अ फनल्स शेप्ड स्टॉक एंड आई न्यू। अब यहां देखिए, ही मतलब वो, वोर मतलब होता है पहना हुआ था, ठीक, ही मीन्स वो, और वोर मीन्स क्या होता है, पहना हुआ था। अब क्या पहना हुआ था, आ डर्बी हैट, अब ये डर्बी हैट हैट का नाम है, टोपा मतलब ऐसे टोपी होता है ना, तो उस डर्बी हैट ये टाइप ऑफ कैप्स आप बोल सकते हैं। तो ही वोर वो पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था, आ डर्बी हैट मतलब एक डर्बी हैट पहना हुआ था। आ ब्लैक फोर बटन, आ ब्लैक फोर बटन सूट मतलब एक काले रंग का सूट पहना था जिनमें कितने बटन थे, चार थे। विद टिनी लेपल्स, है
है ना, विद टिनी लैपल्स, और जहां पर छोटे छोटे लैपल थे, मतलब ऐसे फोल्ड हुए थे, क्लियर है, मोड़ीदार, क्लियर है, ऐसे घुमावदार, ठीक होता है ना, जैसे कोट आता है उसमें तीन चार बटन रहता है, फिर यहाँ ऐसे घुमावदार रहता है। एंड ही हैड अ बिग, ही हैड अ बिग, और उसके पास एक बड़े ब्लैक मीन्स होता है काली, ठीक है। एंड हैंड लेबर मुसेज, क्लियर है, और उसके पास और क्या था, मतलब एक बड़ी, ठीक, काले, और कहाँ गया भाई, हाँ मुसेज, एक्चुअली माउस, माउथ टच वाला है ना, मतलब मूछ इसको बोलते हैं, ठीक। उसके पास बड़ी और काले रंग की क्या थी, मूछें थी, क्लियर है, मतलब हाँ क्लियर है, हाँ। आगे देखिए, देन तभी आई, मतलब मैंने, लुक्ड मतलब देखा, अराउंड मतलब चारों, तभी मैंने चारों ओर देखा, एंड सा और ये भी देखा, डेट एवरीवन की हर कोई, इन द स्टेशन कि स्टेशन में हर कोई है ना, जो भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, वाज ड्रेस्ड, वो सब पहने हुए, तभी मैंने देखा कि स्टेशन पर जो भी लोग हैं सब क्या किए हैं, पहन रखे थे, लाइक 1890 और समथिंग, है ना। स्टेशन पर सभी लोग को मैंने देखा कि वे सारे लोग जो हैं 1890 मीन्स 90, क्लियर है, 1890 मीन्स 1890, अब यहाँ क्लियर है, 1890 या उसके आसपास के समय वाले कपड़े पहने थे, मतलब मैंने देखा स्टेशन पर जो भी लोग हैं वो सारे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो ऐसा लगता है कि 1890 या उसके इर्द गिर्द के समय के कपड़े हैं, मतलब काफी पुराने कपड़े पहने थे, है ना। आई नेवर, मैंने कभी भी नहीं सा देखा था, सो मेनी बियर्ड्स, मैंने कभी भी इस तरह की बियर्ड्स नहीं देखी थी, इस तरह की दाढ़ी नहीं देखी थी, अब याद आ गए होगा यहाँ से कुछ चीजें, क्लियर है। आई नेवर सा, मैंने कभी भी नहीं देखा था, सो मेनी बियर्ड्स, इस प्रकार की दाढ़ी को मैंने कभी भी नहीं देखा था, और क्या है, साइड बर्न्स, और ना ही इस प्रकार के गाल पर बाल, यानी कि गलमुच्छे, है ना, इसको गाल पर बाल, ना इस तरह की दाढ़ी, एंड फैंसी माउथ टच इन माय लाइफ, और ना इस प्रकार के जो हैं फैंसी, मतलब मूछे देखे थे, मैंने कभी भी लाइफ में इस तरह की दाढ़ियाँ, इस तरह के साइड बर्न्स, मतलब दाढ़ियों के साइड में जो बाल रहते ना ऐसे बाबा टाइप, अरे कभी देखे होंगे एकदम गाल तक आ जाते हैं, सेव ना करवाओ तो एकदम लगता है कि हाँ भाई, तो ये साइड बर्न्स एंड फैंसी माउथ टच, ठीक, और लाइफ में इस तरह की फैंसी फैंसी मूछे मैंने कभी नहीं देखा था। ये अगर आजकल तो भाई ठीक है, यहीं से एक स्मार्टनेस आता है। आगे देखिए, आ वुमेन, मतलब एक औरत, वॉक्ड, मतलब वो चली या आई, चलकर आई, इन थ्रू द ट्रेन गेट, है ना, ट्रेन गेट से होते हुए, या ट्रेन गेट के थ्रू एक औरत चलकर आई, सी वोर, वो पहनी हुई थी, किसी को नहीं छोड़ रहा है बंदा चार्ली, सी वोर, वो पहनी हुई थी अ ड्रेस, मतलब ड्रेस, विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, विद मटन, मटन विद लेग ऑफ मटन स्लीप्स, मतलब वो जो है बाजू लेग, ठीक है, मतलब ये नाम है, स्लीप्स मतलब होता है आस्तीन, ठीक, वो लेग ऑफ मटन स्लीप्स, मतलब ऐसे समझ लो कि बाजू लेग ऑफ मटन, मतलब सुंदर पोशाक, अरे एक डिजाइन है भैया, तो सही बताओ जाए ना, ठीक है, हाँ, तो वो जो है बढ़िया डिजाइन के, बाजू लेग ऑफ मटन वाले डिजाइन के कपड़े को पहने हुई थी, एंड स्कर्ट्स, और उसकी जो स्कर्ट्स थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटनड शूज, उसके जो स्कर्ट थे वो उनके ऐसे, मतलब शूज तक, है ना, हाँ शूज तक, उनके जूते तक जो हैं क्या होते थे ऐसे, मतलब लटक रहे थे, लटकते थे, ठीक है। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, और उसके पीछे ट्रैक्स पर, ट्रैक मतलब रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे लाइन पर, ठीक, और उसके पीछे ट्रैक्स पर
या आप बोल सकते हैं रेलवे पटरी पर, या आप सीधा बोल सकते हैं पटरी पर आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मुझे एक लोकोमोटिव इंजन दिखा। लोकोमोटिव इंजन होता है, लोकोमोटिव इंजन है, ठीक है। हाँ, लोकोमोटिव मतलब इंजन होता है, इंजन की एक झलक मैंने देखी, मतलब उसी के पीछे रेलवे पटरी पर। हाँ नहीं नहीं, ये लोकोमोटिव मतलब इंजन, ठीक है, वही कह रहे हैं। अरे यार पटरी पर और क्या देखें, इंसान थोड़ी दिखेंगे, है ना। और मतलब उस औरत के पीछे मैंने देखा कि पटरी पर ग्लिम्स मतलब एक झलक, है ना, पटरी पर मैंने मुझे एक झलक क्या दिखाई दिया, रेल का इंजन दिखाई दिया, या मैंने एक इंजन, रेल के इंजन की एक झलक देखी, ठीक है। अ वेरी स्मॉल करियर, अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईब्स लोकोमोटिव, देखो जिसमें क्या था, एक ईब्ज कंपनी का इंजन, है ना, हाँ ईब्ज कंपनी का छोटा सा, और यहाँ स्मॉल करियर मतलब छोटा सा इंजन था विद अ फनल शेप्ड स्टॉक, मतलब जिसकी जो चिमनी थी ना एकदम सॉरी जिसकी जो फनल थी, फनल मतलब कीप कुप्पी यार, ठीक है, उसकी जो फनल थी वो ऐसे किस शेप में थी, चिमनी जैसे शेप में थी, स्टैक का मतलब होता है चिमनी, चिमनी जैसे किस में थी, शेप में थी, क्लियर है, चिमनी नहीं पता है जैसे जो धुएं हाँ। एंड देन और तभी आई न्यू, तभी मुझे समझ में आ गया, तभी मुझे समझ में आ गया। अब क्या आ गया अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लीजिए, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आई, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, ही स्नैप्ड ओपन द कवर ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड, पहले अर्थ देखो फिर एंड चलते हैं। देखिए वहां फर्श पर, है ना, वहां फर्श पर ब्रास का यानी कि पीतल का एक थूक दान रखा हुआ था, एंड अक्रॉस द स्टेशन और स्टेशन के उस पार मतलब स्टेशन के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से अ ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आईज, मतलब स्टेशन की दूसरी तरफ से लाइट की एक चमक मेरे आंखों तक पहुंची, है ना, या आई, अर्थात एक चमक मुझे दिखाई दी, बात तो यही है ना। अ मैन वाज पुलिंग, और जिसमें मैंने देखा अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज बेस्ट जैकेट, कि एक आदमी अपने बेस्ट पॉकेट से मतलब जैकेट की जेब से सोने की चैन निकाल रहा था, घड़ी, हाँ सोने की, अरे सॉरी सॉरी गोल्ड वॉच, पाप हो गया यार, गोल्ड वॉच निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और उसने कवर मतलब उसने जब उसको निकाला तो उसकी कवर को हटाया, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच और अपनी वॉच को देखा, एंड और जब वॉच को देखा तब क्या हुआ, फ्रॉन्ड क्रोधित हो उठा, ठीक, कुछ केस हुआ होगा। ही वोर अ डर्बी हैट, वो डर्बी हैट पहने हुआ था, कौन, चार्ली साहब, अ ब्लैक फोर बटन सूट, एक सूट पहना हुआ था जिसमें चार बटन थे विद टिनी लैपल्स और उसमें ऐसे मोड़दार बना हुआ था, ठीक है, कोट की तरह, अब चार ही बटन थे तो कुछ तो भाई बटन का मोड़ घुमा दोगे। एंड ही हैड अ बिग, और उसके पास एक बड़ी, ब्लैक मतलब काले रंग की हैंड लेवर माउस्टेज, मतलब एक अच्छी खासी मूछ थी। और एक चीज और है, ये कौन पहना हुआ था, एक्चुअली चार्ली नहीं पहना था, जो सोने की घड़ी निकाल रहा था वो पहना हुआ था, ये ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, है ना, अभी उसका नाम नहीं आज जिक्र किया गया है ना, जो सोने की घड़ी निकाल रहा था उसके बारे में बता रहा है कि वो डर्बी हेड पहने हुआ था, एक सूट पहना था, चार बटन था, कालरदार था, हाँ बड़ी काली एकदम भयंकर मूछ थी, ठीक है। देन तभी तभी आई लुक्ड, तभी मैंने देखा अराउंड, तभी मैंने मतलब चारों तरफ देखा और देखा कि हाँ इनकी कहानी तो ऐसे है भाई, मूछ वूछ ठीक खतरनाक ऐसे लग रहे हैं। देन आई लुक्ड अराउंड, तभी मैंने चारों तरफ देखा एंड सा, और देखा कि
एवरीवन इन द स्टेशन की स्टेशन पर हर कोई हर व्यक्ति वाज ड्रेस्ड पहना हुआ था लाइक 1890 समथिंग 1890 या इसके आसपास के समय वाले कपड़े पहने थे, मतलब काफी पुराने कपड़े पहन रखे थे हर कोई स्टेशन पर। आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा था सो मेनी बियर्ड्स इस तरह की, मैंने कभी भी दाढ़ी मूछ नहीं देखा था, दाढ़ी नहीं देखी थी, साइड बर्न्स है ना, गलमुछे नहीं देखा था, एंड फैंसी माउस्टेच इन माय लाइफ, और लाइफ में इस तरह की फैंसीदार मूछ नहीं देखी थी है ना, जैसे ऐठने टाइप, समझ पा रहे हो ना। आगे, अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत भी ट्रेन गेट से होकर आई, एक औरत भी ट्रेन गेट से मतलब ट्रेन से उतरी, ट्रेन में थी, गेट से होकर आई, सी वोर, अब ये इनको भी देख रहे हैं, हाँ इनको देखिए ये क्या पहने, सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, कि वो ड्रेस पहने हुई थी और एकदम वो लेग ऑफ मटन स्लीव्स की तरह डिजाइन था, अर्थात तो बाजू लेग हाफ मटन, बढ़िया सुंदर पोशाक वाला ड्रेस पहनी हुई थी, एंड द स्कर्ट्स टू वुमेन, और जो सॉरी स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटम्ड शूज, और उसके स्कर्ट जो थे वो शूज तक टच करते थे, मतलब उसके पैरों तक थे, ठीक है। बैक ऑफ हर, और उसके ही पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, उसी के पीछे उन्होंने जब रेलवे पटरी की तरफ देखा तब देखा कि पटरी पर, रेलवे पटरी पर, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, तब मुझे रेलवे पटरी पर इंजन की एक झलक दिखी है ना, और ऐसा इंजन दिखा, वेरी स्मॉल करियर एंड ईप्स लोकोमोटिव, जिसमें बहुत छोटे छोटे डिब्बे थे है ना, और जो है कई सारी ईप्स चिमनियां आदि लगी हुई थी, और वो इस शेप में थी, फनल शेप्ड स्टैक, मतलब एकदम वो फनल शेप में थी जो चिमनियां थी, लोकोमोटिव मींस चिमनी नहीं होता है यहाँ, फनल यहाँ स्टैक मींस होता है, क्लियर है। वो जो स्टैक थी वो फनल शेप्ड में थी, मतलब फनल शेप की स्टैक, चिमनियां चिमनियों के साथ इंजन था है ना, एंड देन, और तभी आई न्यू, तभी मुझे समझ में आ गया, तभी मैं जान गया, नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक। चलिए यहाँ नेक्स्ट है, टू मेक श्योर है ना, ये चीज श्योर करने के लिए, मतलब निश्चित करने के लिए, ठीक है। आई वॉक्ड, मैं चला है ना, मैं थोड़ा बहुत चला ओवर टू अ न्यूज बॉय है ना, मैं एक अखबार, न्यूज बॉय अखबार वाले बच्चे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा और उसको देखा, ठीक, ये आगे दिया गया है, मैं अखबार वाले बच्चे की तरफ थोड़ा, जिधर अखबार मतलब एक बच्चा जिधर अखबार बेच रहा था उधर की तरफ थोड़ा सा चला, एंड ग्लैंस्ड, और देखा एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, ठीक है, और पेपर्स के स्टॉक को देखा, यहाँ स्टॉक ऑफ पेपर्स मतलब कई सारे जो पेपर्स गड्डियां ले ले घूमता है ना, पेपर के स्टॉक को देखा, एट हिज फीट है ना, एट हिज फीट मतलब उसके फीट पर, उसके कदमों पर रखे हुए अखबार के स्टॉक को मैंने देखा, मतलब यहाँ देखो, टू मेक श्योर, इस चीज को श्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए, आई वॉक्ड, मैं चला है ना, या मैं गया ओवर टू अ न्यूज बॉय, एक न्यूज बॉय की तरफ अर्थात अखबार बेचने वाले बच्चे की तरफ मैं बढ़ा और देखा, ग्लैंस्ड, देखा कि उसके पैर पर पेपर के बंडल रखे हुए, स्टॉक रखे हुए, ये चीज जब आगे बढ़कर गया तो मैंने देखा कि उसके पैर पर जो है वो बैठा है और उसके पैर पर पेपर के कई सारे स्टॉक रखे हुए हैं, जो भी आ रहा है वो देते जा रहा है। इट वॉज द वर्ल्ड, इट वॉज द वर्ल्ड, ये क्या था, द वर्ल्ड था है ना, ये क्या था, द वर्ल्ड था, पेपर का नाम हुआ, क्लियर। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स, और द वर्ल्ड का जो प्रकाशन है ना वो वर्षों पहले पब्लिश नहीं हुआ था, क्लियर है, हैजंट है ना, द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स, द वर्ल्ड का जो पब्लिकेशन है, हैज नॉट है ना, हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, वर्षों पहले जो है, मतलब वो पब्लिश नहीं, अर्थात वो काफी दिन पहले बंद हो चुका था, इसका जो पब्लिकेशन है वो अब पब्लिश नहीं हो रहा है,
बल्कि द वर्ल्ड का प्रकाशन, मतलब ये जो अखबार का नाम है द वर्ल्ड का प्रकाशन जो है वर्षों पहले ही बंद हो गया था, अब नहीं पब्लिश हो रहा है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। आई हैव फाउंड डेट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। अब देखिए द लीड स्टोरी, और उस जो न्यूज़पेपर था उसका लीड स्टोरी जो थी, जो मेन स्टोरी थी है ना, जो हाईलाइटेड स्टोरी थी, सेड उसमें कहा गया था समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। उसमें जो है कुछ ऐसे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कहा गया था, मतलब उस अखबार का जो हाईलाइटेड स्टोरी थी, उस हाईलाइटेड स्टोरी में, उस हाईलाइटेड समाचार में, उस हाईलाइटेड न्यूज में है ना, क्या कहा गया, किसके बारे में थी वो हाईलाइटेड न्यूज? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी है ना, उसमें ऐसा कुछ होने के बारे में लिखा गया था। आई हैव फाउंड डेट फ्रंट पेज है ना, आई हैव फाउंड, मुझे मिला डेट फ्रंट पेज, वो फ्रंट पेज सीन्स है ना, हाँ पहला पेज, फ्रंट पेज, मुझे वो फ्रंट पेज, वो पहला पेज मिला इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स है ना, मुझे वो फ्रंट पेज जो है पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में ही मिल गया था, मिल गया है, मिल चुका है ना, एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894, और इसको ये कब छपा था, 1894. हाँ 11 जून 1894 ईस्वी को छपा था, प्रिंट हुआ था, लेकिन ये वाला पेज मुझे पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में ही मिल गया है। मतलब ये कह रहे हैं यार खरीदने से क्या मतलब है, या ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, ये कह रहे हैं ये वाला पेज जो है मुझे पब्लिक लाइब्रेरी फाइल में ही मिल गया है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 11 जून 1894 ईस्वी को प्रकाशन हुआ था। वही बात हुई थी ना 1890 के आसपास के लोग वहाँ थे, तो वही चीज़ क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, रिविजन करवाएं ये लाइन की नहीं करवाइए। देखिए टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज बॉय की तरफ या न्यूज बॉय के पास गया ठीक है, एंड ग्लैंस्ड, और देखा एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, कि देखा कि उसके पैरों पर एकदम पेपर्स का बंडल रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है ना, इट वॉज द वर्ल्ड, ये द वर्ल्ड था, द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स, द वर्ल्ड वर्षों से पब्लिश नहीं हो रहा है, अर्थात काफी दिन पहले बंद हो चुका था ये चीज है ना। द लीड स्टोरी, और उसकी जो लीड स्टोरी थी, जो मेन न्यूज था, जो प्रमुख समाचार थी, उस समाचार में सेड कहा गया था समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के ही बारे में कुछ कहा गया था। आई हैव फाउंड डेट, हाँ ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड वहां के प्रेसिडेंट थे ठीक है, ये नाम है, ये क्लीवलैंड प्रेसिडेंट का नाम है। आई हैव फाउंड डेट फ्रंट पेज सीन्स है ना, मुझे ये फ्रंट पेज पहले मिल गया था, मिल चुका है, कहाँ मिल गया है, पब्लिक लाइब्रेरी फाइल में ही ये फ्रंट पेज मुझे मिल गया है, एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 11 जून 1894 ईस्वी को हुआ था। समझ में आया, क्लियर है, अगर भाई समझ में आए तो कमेंट वमेंट कर दिया करो, कुछ चीज खराबी रहे तो जरूर किया करो, अच्छा ही रहे तो ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके okay?